बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगेन पॉजिटिव नोट पे हुई है और जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी वो थी तकरीबन 62,445, इसी के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। ऑल दो हमने इंट्राडे में स्पेशली जुम्मे वाले दिन जो है बड़ा वोलेटाइल सेशन देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है खबरों का इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली मार्केट पे आता है और सेनेट जो है अपना जो अरकान है वो कुछ तादाद कुछ थोड़ी सी थी, वो बाद में रिवील हुआ कि बहुत थोड़ी सी तादाद थी। उन्होंने करारदार मंजूर भी कर ली कि इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए। बाद में फिर ये आपने फिर देखा कि इसकी रेक्टिफिकेशन आई, इसकी जो है तरदीद भी आई, तरदीद तो नहीं, इनफैक्ट अगर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और स्पेशली इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि नहीं इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक न्यूज आया था, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आया वो मैं आपको डेली के हिसाब से बता देता हूं। अगर हम डेली पे देखें तो ये न्यूज का इम्पैक्ट आया इधर, तो मार्केट ने फिर जो है ये 63,000 की तरफ ये वाला लो किया, उसने 63,700 का यहाँ पे इसने लो किया और इसके बाद जो है फिर अगेन इसने 64,000 जो कि पिछले लास्ट वीक का जो है क्लोजिंग था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आपसे, वीकली पे वापस आ जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, ये जो कैंडल थी इसको हम डोजी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो है ये सबसे हाई इसका यही था, हाईएस्ट जो था इसका लेवल इसने जो रीटेस्ट किया था वो था 67,093। आप इसको राउंड फिगर में 67,000 देख लें, तो ये इस वक्त अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर इसने ये लो भी किया 58,000 जो है इसका तकरीबन 58,758 का लो किया था, जो कि इसकी नेकलाइन सपोर्ट है। मैं आपको यहाँ पे ये किया ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला ये इसकी जो है इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये 59,099 ठीक है ना, तो ये इसका जो है नेकलाइन सपोर्ट है इस वाली कैंडल का, तो इसको इसने यहाँ पे ऑनर किया और यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, कल के सेशन के हिसाब से बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जिस तेजी से मार्केट नीचे आई थी उसी तेजी से मार्केट फिर ऊपर भी रिकवर भी की है। तो अभी वीकली पे तो देखें अभी एज सच कोई डाइवर्जेंस, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डाइवर्जेंस नहीं है। जाहिर सी बात है मार्केट इतनी मतलब बढ़ गई थी तो वहां से अगर 10% भी आती है मार्केट तो मैं समझता हूँ इतनी कोई मतलब समझिए कोई मंदी वाली बात नहीं है, इसको हम एक करेक्शन कहेंगे क्योंकि प्राइस इतने हाई हो चुके थे स्टॉक्स के, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट रेट होगा तो फिर मिले डिस्काउंट पे अगर मिलेगा मार्केट डिस्काउंटेड होगी तो आपको जो है नए फ्रेश जो है एंट्री लेने वाले उनको आसानी होगी, वो देखेंगे मार्केट अगर डिस्काउंटेड हुई है तो अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है अभी भी ये इसके नीचे भी जो है मार्केट अपने आप को रिटेस्ट कर सकती है। सॉरी, ये जो प्राइस एक्शन, एक तो हमने इसकी नेकलाइन सपोर्ट ले ली है और एक हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये यहाँ पे भी हम वीक बनता हुआ देख सकते हैं। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ 57,668, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली एज वेल, इस पे भी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, दोनों टाइम फ्रेम पे अच्छा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम सीपीआर जो मैं लास्ट वीक में भी आपके साथ शेयर किया था कि सीपीआर को लेवल को इग्नोर ना करें, आप मेरे अगर ये मेरी आपको वीडियो जो है अगर पूरी आपको नहीं देखनी हो तो आप सिर्फ सीपीआर का लेवल देख लें, आप पहले मेरी वीडियो और मेरी बातें ना सुने। ये जो मैं ब्लू कलर में डॉटेड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन देता हूं उसको जो आप देख लिया करें, तो अभी यहाँ पे देखें फिलहाल जो अपर बैंड है वो 65,300 का है, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो है मार्केट का सस्टेन करना बहुत जरूरी है इंडेक्स का फॉर फर्दर अपसाइड, ठीक है। मार्केट अभी भी अच्छी है, अभी भी देखें कोई एज सच कोई पैनिक सिचुएशन अभी भी नहीं है अगर हम सीपीआर के लेवल को देखें। हाँ, अगर यहाँ के इसके नीचे जो है कोई बेरिश कैंडल बनती है, मैंने पहले भी कहा था कि इसके नीचे बेरिश कैंडल कोई बनती है स्पेशली इस लेवल के नीचे 62,722, ठीक है ना, ये इसका लोअर बैंड है,
और अभी जो इस वीक में इसने जो लो किया था वो 62,672 का किया था, ठीक है, रीटेस्ट किया लेकिन ऊपर क्लोजिंग थी 62,700 के। तो अभी अगर देखें तो एज सच कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है जब तक कि ये 62,700 के नीचे परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। इसमें भी देखें ये नीचे आया था 62,700 से, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, डोजी बना था, मॉर्निंग स्टार डोजी बना था, और इसके बाद देखें ये अगली कैंडल जो है ये बुलिश बनी है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो देखें वॉल्यूम भी स्प्रेड इतना नहीं था इंडेक्स का, अगर आप देखें तो इतनी आपने ज्यादा रैली नहीं देखी इंडेक्स में, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा अच्छा इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। ये दो इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट के चांसेस बढ़ने के ज्यादा हैं, अभी नीचे आने के कम लग रहे हैं, क्योंकि आगे अभी देखें बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, जिनके ईयर एंड जो है फाइनेंशियल ईयर एंड जो है वो दिसंबर का है, और दूसरे दूसरे सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और भी दूसरे सेक्टर हैं जिनका हाफ ईयरली, क्योंकि ज्यादातर जो फोकस होता है इन्वेस्टर्स का, स्पेशली जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो इन दो महीनों का होता है, जून और दिसंबर की क्लोजिंग। तो वो देखते हैं कि इसमें अब फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सपेक्टेशन होती है, तो उस हिसाब से फिर इसके बाद यहाँ पे रैली बनती हुई नजर आती है। आगे आने वाले दिनों में थोड़ी करेक्शन आ सकती है बीच में, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा था करेक्शन ऑन डेली टाइम फ्रेम, आवर्ली टाइम फ्रेम पे करेक्शन आती रहती है। आप इंट्राडे में भी देखें, कल भी देखें इंट्राडे में करेक्शन आई, मार्केट ने रिकवर किया। तो अभी तो ये जो सूरत हाल है वो यही बता रही है कि नीचे बायर हैं और वो उसको पुश करके अपसाइड पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डाइवर्जेंस अगर हम थोड़ा डेली पे भी नजर डाल लें तो डेली पे भी थोड़ा उसको मैं ये जूम आउट कर दूं, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो इस वक्त अभी एज सच कोई डाइवर्जेंस अभी तो नजर नहीं आ रहा है डेली, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ रहा था लेकिन मार्केट ने इसको करेक्ट कर लिया है। अगर मैं आवर्ली पे भी देख लूं, आवर्ली पे भी एक नजर डालें तो यहाँ पे अभी एज सच कोई डाइवर्जेंस नहीं है। आवर्ली पे पहले आ रहा था, मैंने आपको बताया, तो मार्केट उसको अपने आप को करेक्ट कर चुकी है मेरे हिसाब से। अभी मैं सीपीआर के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन, मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लेवल्स पे बात करता हूँ कि लेवल्स जो है ये जब तक सस्टेन हो रहा है तो तब तक अच्छी लग रही है। ब्रेकआउट ब्रीच आउट की सूरत में अगले लेवल्स क्या होंगे फिर मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ सीपीआर को ही सीपीआर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखें इस वक्त तो यही लेवल जो मैंने आपको बताया 57,000, ये अच्छा लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। 59,000 ये किसका, मैं आपको थोड़ा सा अभी फिर दोबारा से इसको मैं जूम इन कर दूं, जूम इन करने के बाद आपको मैं बता दूं कि भाई ये इसका नेकलाइन सपोर्ट ये वाला एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एरिया, ठीक है, 59,035 और 57,668। तो जब तक ये, सबसे पहले तो सीपीआर है, फिर इसके बाद अगर ये यहां सस्टेन करते तो सही है, अब इसको अगर ब्रीच करेगा तो फिर ये नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो फिर वो इन्वेस्टर जो है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और जो है वो अपना माल फिर लॉस में भी बेचते हैं। अच्छा मैं अभी आपको फिलहाल बता दूं, आपने लॉस में भी कोई भी स्टॉक नहीं बेचना है, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि प्रॉफिट टेकिंग करें, उस प्रॉफिट को एंजॉय करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करें। तो अभी सेक्टर्स के हवाले से मैं बात करूं, जो सेक्टर्स अभी जो पहले भी मैंने शेयर किया था सोशल मीडिया में, जो सेक्टर्स अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, और अभी फिलहाल स्टील में भी अभी हम तेजी देख रहे हैं, स्टील सेक्टर में भी थोड़ी सी, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और केमिकल में भी हम जरा आप उसको फोकस कीजिएगा, केमिकल सेक्टर भी ये कुछ मूवमेंट बना रहा है अपसाइड के लिए, कुछ ऐसा मोमेंटम तैयार हो रहा है कि शायद आगे वाले दिनों में हम केमिकल सेक्टर में भी रैली बनते हुए देखें। तो केमिकल सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इन पे आप फोकस। अच्छा जो आइटम अभी चले नहीं है ये भी आपको बता दूं, जो स्टॉक अभी भी लोअर आरएसआई पर है तो उनकी भी चलने, क्योंकि अब दिसंबर की क्लोजिंग है तो वो भी चल सकते हैं आने वाले दिनों में। टेक्सटाइल सेक्टर पे भी फोकस थोड़ा कीजिएगा, टेक्सटाइल सेक्टर में भी नीचे एक्यूमुलेशन मैं देख रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन हो रही है, तो टेक्सटाइल सेक्टर भी अच्छा लगता है आने वाले दिनों में। एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने ट्विटर भी शेयर किया था, और आईटी सेक्टर इस पे भी देखें, ये भी एक्यूमुलेशन फेज में है आईटी सेक्टर भी। तो ये मैंने आपको बता दी, पावर सेक्टर अलोंग विद ऑल दिस सेक्टर वो चलता रहता है, क्योंकि और भी मसले इनके हल होने के हैं। जो अभी IMF ने हालिया बोला था कि भाई सर्कुलर डेट का जो है इश्यू उसको फौरन आप रिजोल्व करें, जो भी सर्कुलर डेट है उसको आप खत्म करें।
तो उसके हवाले से पावर सेक्टर जो है आगे जाके और परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी इस वक्त जो है पावर सेक्टर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कहने उस फेज में है, नीचे की साइड पे आता है, और यहाँ पे फिर बाइंग भी बनती है, तो नीचे की साइड पे आप वो पावर सेक्टर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।